लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां पूरी है। अब धीरे धीरे पार्टियां अपने लोकसभा प्रत्याशी तय कर रही हैं। जहां समाजवादी पार्टी ने कई सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे हैं। बरेली में पूर्व सांसद प्रवीण सिंह एरन को समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। वो 2009 से लेकर 14 तक सांसद रहे हैं। बात करते हैं कुछ युवा साथी मेरे साथ मौजूद हैं प्रवीण सिंह एरन को लेकर, उनके बारे में किस तरह के ख्याल हैं, आखिर प्रवीण सिंह एरन जब क्षेत्र में जनता के पास जाएंगे तो क्या मुद्दे होंगे, किस तरह के वादे होंगे। जी वीर जी, क्या कहेंगे प्रवीण सिंह समाजवादी पार्टी प्रत्याशी बनाया? मैं सबसे बड़ी बात तो ये कहता हूँ, कहूँगा कि क्योंकि एक तरफ भाजपा आ रही है और एक तरफ गठबंधन की बात सामने आ रही है, पहली बात तो ये देखना है कि गठबंधन होता है या क्या होता है। दूसरी बात यह कि कोई भी प्रत्याशी आए जीते, लेकिन जनता के हित की बात करे, चापलूसी वाली बात ना हो, ऐसा ना हो कि किसी अधिकार का फ़ोन ही ना उठ रहा है, कोई सांसद बन जा रहा है तो भाव खाने लग रहा है, उसका फ़ोन ही ना उठ रहा या जनता से मुलाकात ही नहीं कर पा रहा है, ये चीज़ बड़ी बिलमना है। जनता के हित की बात करें, जनता के बीच में रहे, और ये तमाम मुद्दे हैं हमारे साथ, और मौजूद हैं हमारे साथ युवा साथी हैं, क्या कहेंगे प्रवीण सिंह एरन को इस बार समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया है? समाजवादी पार्टी ने प्रवीण सिंह एरन को टिकट दिया है। प्रवीण सिंह एरन पहले भी कांग्रेस से सांसद रह चुके हैं और संतोष गंगवार से कड़ी टक्कर देंगे। आपको बता दूं जो प्रवीण सिंह एरन है, उन्होंने अपने कार्यकाल में कई उपलब्धियां गिनाई हैं और उनका कहना है कि उन्होंने शहर का विकास किया था उस टाइम पे भी, हालांकि संतोष गंगवार ने भी विकास किया है, ये तो दावे चुनाव के टाइम पे दिखाई देते हैं, लेकिन चुनाव के बाद दावे खोखले साबित होते हैं। चुनाव के दावे तमाम लोग करते हैं मगर दावे हमेशा दावे ही रह जाते हैं। हमारे साथ युवा हैं, बात करते हैं। जी सर, प्रवीण सिंह एरन प्रत्याशी हैं क्योंकि मजबूत प्रत्याशी हैं, कांग्रेस से एमपी रह चुके हैं, गठबंधन से अगर प्रत्याशी बन के आ रहे हैं और उन्होंने समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली है, मगर बरेली परंपरागत रूप से भारतीय जनता पार्टी की सीट रही है। संतोष गंगवार 8 बार यहाँ से सांसद रह चुके हैं, ऐसे में प्रवीण सिंह एरन कितना मुकाबला कर पाएंगे, कितना नहीं मुकाबला कर पाएंगे, समाजवादी पार्टी उनको कितना आत्मसात कर पाएगी, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं जिन लोगों को टिकट मांग रहे थे, जैसे पूर्व मंत्री हैं भगवत सरन संगंगवार हैं और तमाम लोग भी हैं, वो कितना उनके साथ रह पाएंगे नहीं रह पाएंगे, ये सब राजनीतिक समीकरण आने वाले समय में जब निकल के आएगा उसके बाद। मगर संतोष जी को टक्कर देना, संतोष गंगवार को मुकाबला करना किसी आम आदमी के लिए बहुत आसान नहीं होगा। बीजेपी की परंपरागत सीट है, बीजेपी यहाँ बहुत मजबूत है, ऐसे में समाजवादी पार्टी और जो कांग्रेस का गठबंधन उसको बहुत मजबूती से लड़ना पड़ेगा, तभी वो कहीं ना कहीं लड़ाई में दिखाई पड़ेगी, नहीं तो बीजेपी की परंपरागत सीट बरेली रही है। मुझे लगता है कि शायद आगे भी बहुत मजबूती से बीजेपी लड़ने वाली है बरेली में। गठबंधन के जो साथी हैं वो गठबंधन किस तरह से चुनाव लड़ेगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, मगर परंपरागत सीट है बीजेपी और बीजेपी से कड़ी टक्कर होगी, उसके लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। और कुछ साथी मौजूद है, बात करने जी, क्या कहेंगे प्रवीण सिंह इस बार दावेदार? प्रवीण सिंह एक पुराने सियासी नेता हैं और वो जमीन से जुड़े हुए हैं, कांग्रेस से हालांकि वो जीत चुके, एक ही बार जीते हैं, लेकिन इस बार सपा ने, पूर्व में भी सपा ने उन्हें टिकट दिया है और उतारा था, लेकिन कहीं ना कहीं गठबंधन को लेकर बड़े अड़चनें आ रही हैं। पीडीए का जिस तरीके से बात कही जा रही है कि पीडीए का गठबंधन और समाजवादी पार्टी मुखिया अखिलेश यादव ने उस गठबंधन को इनकार कर दिया, लगातार सपा के नेता जो हैं पार्टी छोड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसका भी असर देखने को मिलेगा। बरेली की अगर बात की जाए तो बेरोजगारों की समस्या है, यहाँ पर रबड़ फैक्ट्री का जो एक लंबे समय से रहा है कि रबड़ फैक्ट्री को चालू होना चाहिए, कोई भी उद्योग धंधे यहाँ पर नहीं है जिससे यहाँ के युवाओं को रोजगार मिल सके। फिलहाल उन्हें टिकट मिला है, आने वाला वक्त बताएगा कि किस तरीके से उनकी आगे की। बरेली की मेन समस्या है रोजगार, रोजगार के नाम पे एक रबर फैक्ट्री हुआ करती थी जो सालों से बंद पड़ी है, उसको लेकर तमाम प्रयास किए गए हैं। रोजगार की बात जो करेगा इस बार युवा उसके साथ रहेगा। कुछ और लोग मौजूद हैं, बात करते हैं प्रवीण सिंह एरन इस बार सपा से दावेदार, क्या कहेंगे? देखिए, प्रवीण सिंह एरन जिस तरीके से कांग्रेस से यहाँ से चुनाव लड़े थे, कांग्रेस से जीते भी थे, एक समय था जब कांग्रेस की लहर चल रही थी, लेकिन चूंकि आज माहौल थोड़ा सा बिल्कुल बदला हुआ है, भाजपा जो है इस समय पूरी तरीके से हावी है विपक्षी पे, लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी कहीं ना कहीं मजबूत कैंडिडेट तो एक सामने दिख ही रहा है प्रवीण सिंह एरन के रूप में। जी, भाजपा और सपा दोनों में एकदम कड़ी टक्कर है, जहां प्रवीण सिंह एरन इस बार दावेदार, अभी बीजेपी ने पत्ते नहीं खोले हैं, संतोष गंगवार को ही प्रत्याशी माना जा रहा है, मगर ये तो वक्त बताएगा। कुछ और युवा साथी मतलब बात करते हैं उनसे, क्या कहेंगे इस बार? प्रवीण सिंह यहाँ पर पहले से सांसद रह चुके हैं, एक बार उनकी पत्नी यहाँ मेयर भी रह चुकी हैं, वजह यही है कि प्रवीण सिंह जब चुनाव में आते हैं तो बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन ये जनता के लिए उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। इस मामले में अपोजिट संतोष कुमार गंगवार जनता के लिए उपलब्ध रहते हैं इस और जनता के प्रिय बने रहते हैं।